नमस्ते, आज के इस वीडियो में मैं राहुल आर्य आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। आज हम एक विश्वविद्यालय की तरफ से पीएचडी प्रोग्राम में एडमिशन के लिए जारी किए गए नोटिफिकेशन के विषय में चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले आज हम डिपार्टमेंट वाइज सीट्स को जानेंगे, उसके बाद दूसरी जानकारी भी प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले आज हम यहाँ पर देख रहे हैं हिस्ट्री डिपार्टमेंट को। तो हिस्ट्री डिपार्टमेंट में आपके लिए यहाँ पर 7 सीटें प्राप्त हो रही हैं। समाजशास्त्र सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट में आपके लिए 2 सीटें हैं। पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट में भी आपके लिए यहाँ पर 2 सीटें आपको प्राप्त हो रही हैं। इसके बाद हम यहाँ पर बात करें सोशल वर्क डिपार्टमेंट की, तो यहाँ पर भी आपके लिए 2 सीटें हैं। भौतिक विज्ञान फिजिक्स डिपार्टमेंट में आपके लिए 7 सीटें हैं। केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में 6 सीट हैं और पर्यावरण अध्ययन इन्वायरमेंटल स्टडीज़ डिपार्टमेंट में आपके लिए यहाँ पर 3 सीटें प्राप्त हो रही हैं। उसके बाद हम यहाँ पर आगे बात करें मैनेजमेंट डिपार्टमेंट की, तो मैनेजमेंट में आपके लिए 3 सीटें हैं। कॉमर्स डिपार्टमेंट में 2 सीटें हैं। एजुकेशन डिपार्टमेंट में 13 सीट प्राप्त हो रही है। इंग्लिश डिपार्टमेंट में 1 सीट है। संस्कृत में भी 2 सीटें आपको यहाँ पर प्राप्त हो रही हैं। हिंदी विषय की अगर बात करें तो हिंदी में आपके लिए 2 सीटें हैं और कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट में 12 सीटें आपको यहाँ पर मिल रही हैं। उसके बाद मनोविज्ञान की बात करें तो मनोविज्ञान में आपके लिए 3 सीटें हैं। मनोविज्ञान के बाद हम यहाँ पर देखते हैं मनोविज्ञान में ही 3 सीटें और प्राप्त हो रही हैं। सॉरी, ये वही है, 15 संख्या ही थी। 16 संख्या में हम ज्योतिष की बात करें तो ज्योतिष में आपके लिए 1 सीट है। जर्नलिज्म में 6 सीटें हैं। इकोनॉमिक्स में 4 सीटें हैं। उसके बाद हम यहाँ पर बात करें पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन लोक प्रशासन विभाग की, तो इसमें आपके लिए 5 सीटें प्राप्त हो रही हैं। और वनस्पति विज्ञान में यहाँ पर बॉटनी में आपके लिए 4 सीटें हैं। गणित मैथमेटिक्स में आपके लिए 10 सीटें हैं। प्राणी विज्ञान अर्थात जूलॉजी डिपार्टमेंट में 6 सीट हैं और होम साइंस डिपार्टमेंट में आपके लिए यहाँ पर 4 सीटें प्राप्त हो रही है। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि कुल 23 विषय हैं और 23 विषयों में 107 के लगभग आपको यहाँ पर सीटें प्राप्त हो रही हैं। तो अगर आप इसके लिए आपके विषय में सीट बनती है बन रही है तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने की जो प्रक्रिया है उसके बारे में हम यहाँ पर जानेंगे विस्तार से सब बातों को। हम एप्लीकेशन के लिए डेट वगैरह के बारे में जाने उससे पहले हम यहाँ पर पात्रता को जांच लेते हैं कि पीएचडी में एडमिशन के लिए पात्रता यहाँ पर क्या रखी गई है। तो जैसा कि हर विश्वविद्यालय में होता है कि कम से कम 55% अंक के साथ किसी भी बी ग्रेड यूनिवर्सिटी से मिनिमम क्वालिफिकेशन है, पोस्ट ग्रेजुएशन होनी चाहिए, वो कैंडिडेट इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। तो ये एलिजिबिलिटी थी। और जो ओबीसी SC ST कैंडिडेट हैं उनके लिए यहाँ पर 5% की छूट भी प्रदान की गई है, वो 50% अंकों के साथ भी इसमें आवेदन कर सकते हैं। और एडमिशन के लिए यहाँ पर एक प्रवेश परीक्षा होगी, और प्रवेश परीक्षा होगी जिसमें 50% अंक प्राप्त करना ज़रूरी है क्वालिफाई करने के लिए। 50% से नीचे अंक जो कैंडिडेट प्राप्त करता है उसको क्वालिफाई नहीं माना जाएगा, फेल कर दिया जाएगा। और जो कैंडिडेट कम से कम 50% अंक प्राप्त करता है उसको इंटरव्यू के लिए यहाँ पर बुलाया जाएगा। और जो परीक्षा होगी उसमें 50% अंक शोध पद्धति के होंगे। शोध 50% जो पाठ्यक्रम है वो शोध आधारित होगा और 50% जो प्रश्न होंगे वो विषय से होंगे जो आपका सब्जेक्ट है उससे रहने वाले हैं। और यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात भी कही गई है कि UGC नेट JRF CSIR नेट JRF या कोई फेलोशिप धारी व्यक्ति है उसको यहाँ पर प्रवेश परीक्षा से छूट होगी, उनको प्रवेश परीक्षा देने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन उनको इंटरव्यू के लिए ज़रूर बुलाया जाएगा, उनको इंटरव्यू देना ज़रूरी होगा। यहाँ पर प्रवेश प्रक्रिया भी जान लेते हैं। कह रहे हैं कि विश्वविद्यालय द्वारा संचालित प्रवेश परीक्षा के माध्यम से पीएचडी में
कार्यक्रम में विद्यार्थियों का प्रवेश किया जाएगा और छूट जिन जिन को है आप देख सकते हैं कि नेट JRF CSIR नेट JRF शिक्षक अध्यावृत्तिधारी प्रवेशार्थियों को इस प्रवेश परीक्षा से छूट होगी। ऐसे प्रवेशार्थियों को साक्षात्कार की प्रक्रिया से सम्मिलित होना आवश्यक होगा। नेट स्लेट गेट उत्तीर्ण प्रवेशार्थियों को विश्वविद्यालय की प्रवेश परीक्षा देनी होगी, अर्थात ये छूट जो है केवल JRF के लिए है, नेट के लिए यहाँ पर कोई छूट नहीं है और इंटरव्यू सभी के लिए यहाँ पर अनिवार्य रूप से आयोजित किया जाएगा। तो ये जो हम बात कर रहे थे, ये हम कर रहे थे उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय हल्द्वानी की। तो अब यहाँ पर हम अप्लाई करने की डेट के बारे में जानते हैं और एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में भी जान लेते हैं। तो आप 16 मार्च 2022 से 16 अप्रैल 2022 शाम 4 बजे तक इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। एंट्रेंस एग्ज़ाम की जो डेट है वो आपको जल्दी ही वेबसाइट पर देखने को मिल जाएगी और इसके लिए आपको 1000 रुपये फ़ीस भी देनी पड़ेगी। एप्लीकेशन फ़ीस जो है वो आपकी 1000 रुपये रहने वाली है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जा करके इसके लिए, यहीं से आपको नीचे लिंक मिलेगा जो कि मैं आपको दिखा रहा हूं, यहां से इसके लिए आप आवेदन कर सकते हैं। तो ये थी आज आपके लिए अपडेट जो कि उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी की तरफ से था। इसी तरह की अपडेट्स के लिए बने रहे यूट्यूब चैनल MD एजुहट के साथ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्ते।